अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, टुडे वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 5, योर जो आपका चैप्टर नंबर 5 है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आइडेंटिटीज। ठीक है, तो मिल गए तो चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, अब इसमें देखो होगा क्या, हमें अलजेब्रिक इक्वेशन समझनी है। पहले होती क्या है अलजेब्रिक इक्वेशन, क्या होती है बताओ, कोई बता सकता है? अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या होता है, ये वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें हमारे कांस्टेंट्स होते हैं और वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपका कॉन्स्टेंट होंगे और वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, आ रहा समझ में? तो मिक्स फॉर्म में जो होता है, जैसे लिख देते हैं एन एलजेब्रिक इक्वेशंस आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है भाई, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमने लिखा भाई 2x + 3y = 0। ठीक है, ये एलजेब्रिक इक्वेशन हो गई। 2p + 6 = 0, ये भी क्या हो गई, हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन हो गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ठीक है। अब जैसे हम लेते हैं, एक इक्वेशन ने लिया 3x + 4 = 0, तो ये जो नंबर होता है, ये तो हमारे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, और जो x है यहाँ पे, ये क्या होगा हमारा, वेरिएबल्स, ये भी हमारे कॉन्स्टेंट में आएगा, नंबर है हमारा। ठीक है, जितने ए बी सी डी होंगे सब वो वेरिएबल्स होंगे, और नंबर्स जो होते हैं हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो इसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं एडिशन के, कैसे आप एडिशन करेंगे इसमें, कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन एडिशन कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे, आइडेंटिटीज क्या क्या यूज़ होती हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो मैं आइडेंटिटीज लिख देता हूँ, तो उसे देख लो, है ना। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले आइडेंटिटी होती है a + b² होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये होता है a² + b² + 2ab। क्लियर है यहाँ तक? a² + b² + 2ab। ठीक है, एक होती है हमारे a - b² होल स्क्वायर, सबने पढ़ी a² + b² - 2b। ये बहुत बेसिक है अलजेब्रिक में। ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशन बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, ये आगे भी काम आएंगे, अच्छे से याद करना। ठीक है, अब जैसे एक इक्वेशन और होती है a - b * a + b, तो ये होता है a² - b². ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है? अब ये जो हमारी आइडेंटिटी है, हम इसको एक्स टर्म में भी लिख सकते हैं, पी और क्यू के टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ p - q और यहाँ p + q, तो ये क्या आएगा हमारा, p² - q². क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है? अब एक ये एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, बस मैंने वेरिएबल चेंज कर दिए, समझ में आ रहा है? मेन मकसद समझना, इसे फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये पहले भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है, तो ये आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर - सेकंड टर्म का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब जैसे आपने ये एक क्वेश्चन, ये होती है फॉर्मूला a - b² होल स्क्वायर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। ठीक है, तो a + b² होल स्क्वायर - 4ab, एक फॉर्मूला ये भी होता है। अगर हमें a + b रखा है और ab रखा है, हमें a - b चाहिए, तो हम इसमें लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, जैसे वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, एक नंबर आएगा, फिर उसका स्क्वायर रूट कर देना, तो आंसर आ जाएगा a - b का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब एक फॉर्मूला और आता है इसमें, मैंने पहले ही बताया था इसमें तुम्हें कि भैया a³ + b³, तो ये होता है a + b, प्लस है तो पहले प्लस होगा, फिर क्या होगा a² + b² - ab, फिर -ab आएगा। ठीक है, अब होता है हमारा a³ - b³, तो ये आएगा हमारा, देखो a - b, पहले माइनस तो पहले माइनस होगा, फिर प्लस होगा a² + b² + ab। क्लियर है यहाँ तक, ये चीज़ आ गई हमारी। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बताओ यहाँ तक क्लियर, कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, अब देखो, अब इसमें a + b³ होल क्यूब है ना। ठीक है, तो a + b² हमारा होल क्यूब, तो कितना आएगा, ये a³ + b³ + 3 a² b
प्लस का 3ab स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ये याद रखना ठीक है। अब उसमें आता है a माइनस बी का होल क्यूब, तो बेटा ये क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस का सॉरी माइनस का 3a स्क्वायर भी, पहले में नेगेटिव आता है फिर प्लस आता है 3ab स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये सब हमें फॉर्मूले याद रखने हैं। एक फॉर्मूला और होता है, थोड़ा सिंपली फॉर्म में याद रखो कि भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब इज इक्वल टू होता है हमारा 3abc। क्या होता है? 3abc होता है। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रही बात? 3abc होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ और लिख सकते हैं कि भाई a प्लस बी प्लस सी क्यूब, ये तब वैलिड होगा ये फॉर्मूला जब हमारा एक इसमें से कोई, अगर हमारा a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, जीरो होगा, तब ये फॉर्मूला वैलिड है। तो आप a को b को c को ऐड कर देख लेना तीनों को, इसमें कोई एक नेगेटिव दे रखा होगा या दो नेगेटिव दे रखे होंगे। ठीक है, क्लियर है? जब इनको हम ऐड करेंगे जीरो आएगा, तो a क्यूब b क्यूब प्लस c क्यूब कितना होता है, 3abc डायरेक्ट। ठीक है, बस ये देख लेना कि भाई a जो वेरिएबल होगा, a जो नंबर होगा और b और c जो नंबर होगा, उनको ऐड करने पर जीरो आता हो तब ये फॉर्म लगाओगे। क्लियर है? क्वेश्चन कराएंगे तो देखना उसमें। ठीक है, क्लियर है? अब और इसमें कुछ यूज़ होगा तो बता देंगे और इसमें। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्लियर हो जाएगा फिर तुम्हें। तो ये क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन वन है हमारा, सिंपल हम एडिशन पे कर रहे हैं। ठीक है, 2x प्लस 3y प्लस 4z ऐड करना है हमें किसमें, 3z माइनस 6x प्लस 4y। ठीक है, ये हमें ऐड करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो देखो क्या करोगे बताओ, जब इसे हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, जब इसे आप ऐड करोगे 2x है और 6x, लाइक टर्म एक साथ लिख लेना, 2x माइनस 6x, प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, यहाँ कितना है प्लस का 3y और यहाँ कितना है प्लस का 4y। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ कितना है प्लस का 4z और यहाँ कितना है प्लस का 3z। लाइक टर्म्स एक साथ लिखते हैं, लाइक टर्म्स हमेशा ऐड होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? अनलाइक टर्म को हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, 6x में 2 ही जाएगा तो माइनस का 4x, साइन बढ़ेगा आता है माइनस का। ठीक है, प्लस 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 होगा, 3y प्लस 4y 7y होगा, प्लस 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 होगा, 4 प्लस 3 कितना होगा हमारा, 7z होगा। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? तो ये सब चीज़ें इसमें लिखनी है। ठीक है, बताओ कोई परेशानी है उसमें? ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है भाई, ये है हमारे पास। तो आप क्या करोगे, आपको मान लो ऐड करना है। ठीक है, कोई क्वेश्चन लेते हैं एक और, माइनस 2x प्लस 3p प्लस 4q ऐड करना है हमें किसमें, माइनस 7x माइनस 4p माइनस 3q। क्लियर है? ऐड करना है। ठीक है, तो सिंपल है, एक तो तुम ऐसे भी कर सकते हो उसको कि माइनस 2x प्लस 3p प्लस 4q लिख दिया, अब वहाँ से लिखो माइनस 7x x के नीचे लिखो, p वाला p के नीचे लिखो माइनस 4p और माइनस 3q q के नीचे लिखो। ठीक है, इनको सिंपल हम ऐड करा रहे, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा हमारा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 7x कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 9x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4p पी जाएगा 3p जाएगा तो p बचेगा, प्लस माइनस माइनस, 4q में 3q जाएगा तो q बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। क्लियर है यहाँ तक? साइन बढ़ेगा लगाते हैं हमेशा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसमें एक चीज़ हो जाती है आपकी, मोनोमियल्स बायोनोमियल्स ट्राइनोमियल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जैसे हमने लिया मोनोमियल्स, मोनोमियल्स जो होते हैं हमारे, जिसमें हमारी सिंगल टर्म होती है। ठीक है, सिंगल टर्म होती है मोनोमियल्स। ठीक है, उसे हम मोनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका दोज अलजेब्रिक इक्वेशन हैविंग सिंगल टर्म, जिनकी सिंगल टर्म होगी। ठीक है, हैविंग सिंगल टर्म, जैसे एग्जांपल हमने लिया माइनस 5x 4y 6pzq ठीक है 7xyz,
ये सब क्या है, हमारे मोनोमियल्स हैं, ठीक है, क्योंकि सब में एक टर्म है, सिंगल टर्म है, ठीक है, तो ये हमारे मोनोमियल्स कराएंगे, ठीक है। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, ए बाई थ्री बी वाई, ठीक है, तो ये भी हमारे मोनोमियल्स, सिंगल टर्म है पूरी एक, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आती बात, ये मोनोमियल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे बाइनोमियल्स, ठीक है, तो बाइनोमियल्स में क्या होता है, अलजेब्रा एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स, ठीक है, बाइनोमियल्स, ठीक है, दोस अलजेब्रिक इक्वेशन हैविंग मोर देन टू टर्म्स, हैविंग टू टर्म्स, हैविंग टू टर्म्स, ठीक है, क्लियर है बात। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि भाई 2x प्लस 4y, सही है, 2x प्लस 4y, x y z माइनस 5, 6x प्लस 4y, ये सब क्या है हमारे बाइनोमियल्स हैं, ठीक है, दो टर्म्स आ रही है इसमें, मोनोमियल्स में सिंगल टर्म आएगी, ट्राइनोमियल्स में तीन टर्म्स आएंगी, तो ट्राइनोमियल्स देखते हैं ट्राइनोमियल्स क्या होता है, ठीक है, बताओ क्लियर है यहाँ तक बात। तो हम इसमें ट्राइनोमियल्स देखते हैं ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है, तो जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, दोज अलजेब्रिक इक्वेशन, दोज अलजेब्रिक इक्वेशंस हैविंग मोर देन थ्री टर्म्स, ठीक है भैया, मोर देन थ्री टर्म्स होती हैं हमारी, वो क्या होती हैं, ट्राइनोमियल्स होती हैं। एग्जांपल लेंगे हम, ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया भाई 2x प्लस 4y प्लस 6z, बताओ ये है, ये ट्राइनोमियल है, ठीक है, मैंने लिखा भाई 2x प्लस 4y, बताओ ये ट्राइनोमियल है, बताओ जल्दी बताओ, 2x प्लस 4y लिखा है तो ट्राइनोमियल नहीं है, बाइनोमियल था, तो हमने एक और देना पड़ेगा वेरिएबल, ठीक है, 6z, आ रहा समझ में, तो ये हमारे ट्राइनोमियल्स हो गए, ठीक है, क्लियर है बात, तो जिसमें तीन टर्म्स होंगे हमारे ट्राइनोमियल्स हो गए, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अब जैसे एक सवाल आता है हमारे पर कोफिशियंट के ऊपर, ठीक है, समझ में आ रही बात, क्वेश्चन नंबर थ्री कर दूसरे, ठीक है, तो फाइंड द कोफिशियंट, कोफिशियंट्स ऑफ, ठीक है, एक्स इन 7x² वाई जेड माइनस का 5xy, ठीक है, हमें कोफिशियंट ऑफ एक्स फाइंड करना है इसमें, ठीक है, 7x² प्लस वाई जेड, तो क्या होगा इसमें बताओ जल्दी से, हमें एक्स कोफिशियंट फाइंड करना है, किसका करना है, एक्स करना है कोफिशियंट फाइंड, ठीक है, तो क्या करेंगे हम इसमें, ये हमारा एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर नहीं देखेंगे, हम खाली एक्स देखेंगे, एक्स से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कोफिशियंट होता है, समझ में आ रही बात, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा जो लिखेंगे हम इसे, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स जो होगा हमारा, ये पूरा जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसमें, ये हो जाएगा, ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन जो होगा ऐसे लिखेंगे हम, कोफिशियंट ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस का 5y, कोफिशियंट मतलब जो उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस का 5y मल्टीप्लाई हो रहा था एक्स में, ठीक है, अगर मैं कोफिशियंट एक्स स्क्वायर पूछूं तो कितना होगा, 7yz, आ रहा है समझ में, तो कोफिशियंट अगर लिखोगे, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स, इसका मतलब होता है कोफिशियंट ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर में क्या चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो देखो 7 हो रहा है और वाई जेड हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये तो अलग टर्म है ना हमारी, तो 7yz ये हमारा कोफिशियंट हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है। अब मैं आगे मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, तब तक उसे नोट करो, ठीक है, जैसे एक सवाल है हमारे पास, हमें ये बताना है इसमें कि कौन से मोनोमियल्स हैं कौन से बाइनोमियल्स हैं, ठीक है, तो पहले लिख रहा हूँ x प्लस वाई, सेकेंड है 2x प्लस 3y प्लस 4z,
तीसरा है हमारा 6xyzp, ठीक है, और फोर्थ है हमारा 7xy प्लस 4zp। अब बताओ पहला क्या है, जल्दी बताओ। x प्लस वाई है, दो टर्म्स हैं ऐड हो रही हैं, ठीक है, x प्लस वाई दो टर्म्स आ गई, तो बताओ बाइनोमियल। सही बताया, ठीक है, बाइनोमियल्स, तो बाइनोमियल्स इक्वेशन हो गई, ठीक है। और ये 2x प्लस वाई प्लस 4z क्या होगा बताओ, ये ट्राइनोमियल होगा हमारा, ट्राइनोमियल एलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। ये 6xyzp बताओ क्या होगा, ये सिंगल है पूरा, तो ये क्या होगा हमारा, मोनोमियल होगा, क्या होगा, मोनोमियल, सिंगल है पूरा, ठीक है। अभी देखो एक टर्म और दो टर्म तो कितनी हो जाएंगी हमारी, ये बाइनोमियल हो जाएंगी, बाइनोमियल आ रहा समझ, बाइनोमियल इक्वेशन हो जाएंगी, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हिसाब से डालते जाना लाइन वाइज, ठीक है। अभी कह रहे हैं फाइंड द कोफिशियंट ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स इन 0.2x प्लस का 0.3xy प्लस का 0.5y। अभी एक्स का कोफिशियंट पूछ रहा है, समझ रहे हो बात मेरी, ठीक है। तो देखो एक्स का कोफिशियंट क्या होगा, सॉल्यूशन कोफिशियंट ऑफ एक्स, ठीक है भाई। तो एक्स का जो मल्टीप्लायर है तो कितना होगा, ये 0.2 इंटू एक्स, ठीक है। तो एक्स का कोफिशियंट कितना होगा, 0.2 होगा, कोफिशियंट ऑफ एक्स। अब इसमें देखो 0.3 मल्टीप्लाई आ रहा है, वाई मल्टीप्लाई आ रहा है, तो कितना होगा 0.3y। तो एक 0.2 हो गया हमारा, एक हमारा कितना 0.3y हो गया, क्लियर है समझ में आ रहा है। कोफिशियंट जिसका भी पूछा है उसका मल्टीप्लायर देख लो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो हमारा कोफिशियंट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं इस पे, ठीक है। तो कोफिशियंट क्लियर हो गया तुम्हारा, जो मल्टीप्लाई होता है उससे टर्म। अब जैसे एक सवाल और करते हैं इस पे, क्वेश्चन वन है हमारे पास, ठीक है, हम एडिंग कर रहे हैं, ऐड करना है, ऐड 7x² माइनस 4x प्लस 5 कॉमा माइनस का 3x² प्लस 2x माइनस 1 एंड दे रखा है 5x² माइनस एक्स प्लस 9, ये सब दे रखे हैं, ठीक है। तीन हमें अल्जेब्रिक टर्म से रखी है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो बताओ इसमें हमें वो निकालना, इन्हें ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपल अगर ऐड करना हो तो तुम वैसे लिख सकते हो या डायरेक्ट एक्स की टर्म लिख लो एक साथ में, ठीक है। चाहो तो ऐसे कर लो 7x² माइनस 4x प्लस 5, इसके नीचे लिखो माइनस 3x², ठीक है, प्लस का 2x माइनस 1। नंबर नीचे नंबर होना चाहिए, x नीचे x, x² नीचे x² होना चाहिए, ये नहीं है कि यहाँ पे x² नीचे x लिख दो तुम, ठीक है, ऑर्डर में लिखना। अभी कितना है हमारा 5x² माइनस एक्स प्लस 9, ठीक है। अब इनको जब हम ऐड करने बैठेंगे तो देखो 7 प्लस 5 कितना होगा, पहले प्लस करो 12 होगा, प्लस 12 में से माइनस 3 कर दो कितना होगा 9x², ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 4x प्लस x कितना होगा माइनस 5x, ठीक है, उसमें प्लस 2x कर दो तो माइनस 5x प्लस 2x, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है, साइन आएगा बढ़ेगा, ठीक है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 5x में 2 की जगह कितना आएगा 3x बचेगा, तो माइनस का 3x आ जाएगा, ठीक है। प्लस 5 प्लस 9 कितना होगा हमारा बताओ, 14 होगा, 14 में से 1 घटा दो, ठीक है भाई, 14 माइनस 1 तो कितना आएगा 13 आएगा, तो प्लस का 13, तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है, 9x² माइनस 3x प्लस 13, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन 2, ये कह रहे हैं भैया 5x² माइनस 1/3x प्लस का 5/2 कॉमा 1/2x² माइनस 1/2x प्लस सॉरी माइनस का 1/3, ठीक है, एंड माइनस 2x² प्लस 1/5x माइनस का 1/6, ठीक है भाई। इनको हमें ऐड करना है, समझ में आ रही, क्या करना है, इनको ऐड करना है, ठीक है।
वो कैसे करोगे? जब इसे ऐड करना होगा हमें, तो हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास ठीक है, तो हम सबको ऐड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर में ऐड कर दूँ, ठीक है, तो साथ में लिख लो 5x² प्लस 1/2x² माइनस का 2x², ठीक है। अब वाई वाले टर्म, ये एक्स वाले टर्म एक साथ लिख लो, एक्स 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 साइन के साथ रखना, माइनस 1/3x माइनस 1/2x और ये कितना है प्लस का 1/5x, क्लियर है। अब 5/2 देखो, 5/2 कौन से टर्म देखो, 1/3 1/6 ठीक है, तो प्लस का हमारा 5/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6 ठीक है, क्लियर है। अब देखो सॉल्व करो कितना आएगा बताओ, ठीक है, तो वो कितना आएगा, जब इस आप करोगे तो कितना आएगा, तो एक्स स्क्वायर 5x² माइनस 2x² कितना होगा 3x², 3x² में 1/2x² ऐड कर देना, ठीक है, तो लिखा हमने 5x² माइनस 2x² कितना होगा हमारा 3x², तो 3x² प्लस x² / 2, ये 1/2x² तो x² बन जाएगा, कितना x² हो जाएगा, x² / 2 हो जाएगा। अब देखो ये सब नेगेटिव है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, चाहो तो उनका एलसीएम ले लो, 3 2 5 एलसीएम ले लो उसका, 3 2 5 का, तो कितना आएगा ये, माइनस लगा दो आगे, ये ब्रैकेट में लगा दो, तो ब्रैकेट में लगा दिया मैंने पूरा ये, ठीक है, तो यहाँ पे कितना है 3 2 5 एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा इसका, ठीक है 30, तो भैया 3 सब 30 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 10 आएगा, 10 इंटू माइनस एक्स कितना होगा, माइनस का 10x होगा, ठीक है, जब 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 15x आएगा, ठीक है, प्लस का ये जब 30 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 6 आएगा, तो 6x हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, प्लस का अब ये पूरा नंबर है हमारा, ठीक है, तो 2 3 6 का एलसीएम ले लो कितना होगा बताओ, जब 2 3 6 का एलसीएम लोगे तो 2 3 6 2 1 3 3 6 ही आएगा, ठीक है, तो कंफर्म कर लिया हमने, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना 3 3 5 15, ठीक है, माइनस 6 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा 2 2 1 2 होगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, और 6 को 2 से डिवाइड करो कितना, 6 को 6 से करोगे कितना आएगा 1 ही आएगा, तो माइनस 1 रहेगा, ठीक है। अब इन्हें ऐड कर लो, 2 3 6 6x² प्लस x² कितना 7x² 7x² / 2, क्लियर है यहाँ तक, प्लस अभी देखो माइनस माइनस वाले ऐड कर लो पहले, माइनस माइनस कितना होगा प्लस होगा, तो 10x और ये 15x, तो कितना होगा 25x माइनस का, ठीक है, और प्लस का 6x है, ठीक है, साथ में प्लस का 6x है, तो माइनस प्लस माइनस होगा, 25 में 6 घटा दो कितना बचेगा, ये आपका बचेगा 19 माइनस का, साइन बढ़ेगा लगाते हैं, ठीक है, तो माइनस का 19, तो यहाँ लिख देंगे माइनस 19, बाहर प्लस है तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 19x / 30 प्लस 15 में 2 जाएगा कितना बचेगा, या जैसे देख लो माइनस 2 - 1 कितना माइनस 3 हो जाएगा, फिर 15 में से माइनस 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 12 प्लस का, ठीक है, तो 12/6 जो कट रहा है काट दो, ये कट नहीं पा रहा ऐसे रहने दो, वहाँ ऑप्शन में कराना, पॉइंट में तो पॉइंट में कराना, ठीक है, माइनस का 19x / 30 प्लस का 12/6 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 6 1 6 2 0, क्लियर है यहाँ तक, जब तक नोट करो सवाल, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। तो बस ये बेसिक है, मतलब ये हमें सीख रहे हैं, ठीक है, अब एक सवाल हम सब्ट्रैक्शन पे करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा सब्ट्रैक्ट 3/2x² प्लस 4/5y माइनस का 1/3x² y², ठीक है, x y z, ठीक है, फ्रॉम 12/5x² y z माइनस का 3/5x y z प्लस का 2/3x² y, क्लियर है यहाँ तक। अब जैसे कहीं पे हमारा सवाल ऐसे लिखा होता है, अभी पहले से ट्राई करते हैं, इससे पहले एक चीज़ सोचते हैं हम, कहीं पे ऐसा लिखा होता है सब्ट्रैक्ट, ठीक है, 4 from 6, मतलब इसका मतलब क्या है, 4 को सब्ट्रैक्ट करो फ्रॉम 6 में से, इसका मतलब ये 6 - 4 कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट 4 from 6 मतलब 6 में से 4 हटाना है तो 2 आएगा हमारे, क्लियर है यहाँ तक, तो इसे मैंने हटा दिया, तो ये इसमें करना है, ठीक है, तो क्या करोगे आप इसमें,
अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है इसमें, फ्रॉम इसमें से, ठीक है? तो इसे पहले लिखोगे, समझ गए? फ्रॉम के बाद वाला जो होता है इसमें से करना है, मतलब इसको इसमें से करना है, तो इसे पहले लिखोगे उसे बाद में लिखोगे, क्लियर है यहाँ तक? तो कितना होगा, 12/5 x2 yz माइनस का 3/5 xyz प्लस का 2/3 x2 y, ठीक है? माइनस कर रहे हैं हम, ठीक है, 3/2 x2 y प्लस 4/5 y माइनस का, ये एक्स स्क्वायर वाई जेड को वन में कराओगे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड आएगा, क्लियर है यहाँ तक? अपॉन कितना है, ये 3 है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब सब्ट्रैक्ट करना है तो लिख दोगे 12/5 x2 yz माइनस का 3/5 xyz प्लस का 2/3 x2 y माइनस प्लस माइनस, ठीक है भाई, माइनस प्लस माइनस 4/5 y, माइनस माइनस क्या होगा हमारा, प्लस होगा, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड अपॉन 3 ये हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक? अब लाइक टर्म्स देख रही है, उन्हें साथ में ले लो, ठीक है? ये एक्स स्क्वायर वाई जेड है, एक्स स्क्वायर वाई जेड लाइक टर्म्स है हमारी, ठीक है? तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा हमारा 12/5 x2 yz साथ में लिख लो लाइक टर्म्स को, ठीक है, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई जेड बाई 3, ठीक है? अब एक्स वाई जेड है हमारा, और देखो यहीं एक्स वाई जेड है, नहीं है, तो माइनस का 3 xyz ऐसे लिख दो, ठीक है? अभी x2y साथ में आ रहे हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इन्हें साथ में लिख दो, प्लस का 2/3 x2y माइनस का 3/2 x2y माइनस का 4/5 बचेगा, क्लियर है? अब इन्हें सॉल्व कर दो, देखो ऐड कर लो, तो जब इन्हें ऐड करोगे तो कितना होगा, 5 और 3 कितना होगा हमारा, 15 बनेगा, ठीक है? तो इनका एलसीएम ले लो खाली इन दोनों का, तो जब ये आएगा इसका एलसीएम तो कितना आएगा, चलो वहाँ कर देते हैं, सॉल्व कर लो जल्दी से, तो ये हमारा जो आएगा हमारे पास कितना आएगा, 5 और 3 का एलसीएम लोगों कितना आएगा हमारा, 15 आएगा, ठीक है? तो ये हमने 15 ले लिया, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो जब 15 को 5 से डिवाइड कराओ कितना आएगा, 3 आएगा, 3 का जो मिल जाएगा 12 में, 12 3 36 x2 yz, ठीक है, आ रहा है यहाँ तक? प्लस का, अभी 3 से डिवाइड कराओगे इसे तो 5 आएगा, ठीक है, 5 का इसमें करा दो तो 5 x2 yz हो जाएगा, x2 yz, क्लियर है यहाँ तक? अब -3 x2 yz ऐसे ही रहेगा साथ में, ठीक है? अब प्लस का कितना है, प्लस का 2/3 x2 y, अभी देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा बताओ, 6 होगा, तो 6 हमने एलसीएम ले लिया, ठीक है? जब 3 से हम डिवाइड कराएंगे 6 को तो कितना आएगा, 2 2 2 4 4 x2 y माइनस का, ये है 2 से डिवाइड कराओगे कितना आएगा हमारा, 3 x2 y, तो जब यहाँ 3 कराओगे कितना होगा, 9 x2 y, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? माइनस का 4/5 y, ठीक है भाई? तो 36 + 5 कितना होगा, 41 x2 yz अपॉन 15, यह आएगा माइनस का 3 xyz, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 9 में चला जाएगा 5, 5 x2 y अपॉन 6 माइनस का 4/5 y, क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, सिंपल है? तो ये सब चीज़ें इसमें याद होनी चाहिए, जब भी सब्ट्रैक्शन सवाल आएगा कि भाई इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो उसे पहले लिखना है, उसे बाद में लिखना है, माइनस कर देना आंसर आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम कुछ आइडेंटिटीज पे सवाल लेते हैं, वो करके दिखाते हैं फिर, ठीक है? देखो नोट करो जल्दी से, ठीक है, नोट हो गया आपका? अब अगला सवाल लिख रहा हूँ, जल्दी से करने की कोशिश करना, ठीक है? एक सवाल डिग्री पे भी है, तुम्हारे मॉड्यूल में भी रखा है डिग्री पे सवाल है, ठीक है? डिग्री जो होती है हमारी, ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, याद रखना। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि भाई डिग्री बतानी है, डिग्री हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो आप क्या करोगे, पहला पॉइंट है हमारा कभी 3x + 4y², ठीक है, प्लस 7z, 9x⁻⁷ प्लस 3y⁻³ प्लस 6,
सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन की पावर सिक्स, ठीक है। अब डिग्री बताने, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होती है, ठीक है, ये पॉलीनोमियल, ठीक है। तो आपका देखो यहाँ जिसकी पावर क्वेश्चन होती है उसकी पावर वन होती है, यहाँ भी वन होगी, यहाँ टू है, तो डिग्री कितनी होगी, टू। तो डिग्री कितनी होगी यहाँ पे, टू, डिग्री इक्वल टू टू। यहाँ डिग्री कितनी होगी देखो, यहाँ कितनी है हंड्रेड, यहाँ कितनी सेवन सिक्स, वेरिएबल की देखते नहीं है हम, ठीक है, आ रहा समझ में, तो ये हंड्रेड आ गई। अब देखो यहाँ पे सेवन एक्स स्क्वायर प्लस सेवन की पावर सिक्स है, अब डिग्री बतानी है, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ टू है, यहाँ सिक्स है, मगर ये वेरिएबल थोड़ी ना है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कहते हैं, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलीनोमियल मतलब वेरिएबल, ठीक है, या हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल कह दो सही रहेगा, ठीक है, सबसे बढ़िया, आ रहा समझ में। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर तो कितनी होगी, ये टू हो जाएगी, तो डिग्री कितनी होगी हमारे पास, टू होगी। क्लियर है यहाँ तक, कर लोगे इस पर सवाल, आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ जल्दी से करके देखो फिर। सब्ट्रैक्ट 3x by 2 माइनस 5 by 4 वाई माइनस का 7 by 2 जेड फ्रॉम 2 by 3 एक्स प्लस का 3 by 2 वाई माइनस 4 by 3 जेड, ठीक है भाई, ये करना है हमें, ये जो सब्ट्रैक्ट करना है इसको इसमें से करना है, फ्रॉम मतलब इसमें से, ठीक है, याद रखना, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो इसे पहले लिखोगे आप, ठीक है, तो इसे पहले लिखोगे कितना होगा, 2 बाई थ्री एक्स प्लस का 3 बाई टू वाई माइनस का 4 बाई थ्री जेड, क्लियर है यहाँ तक, सॉरी जेड कर दो उसे, ठीक है, इसे घटा दोगे तो कितना आ जाएगा ये, 3x बाई टू माइनस 5y बाई फोर, ठीक है, माइनस का 7 बाई टू जेड, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अभी घटा लो उसे, तो बेटा x वाला x में साथ रखना, 2 बाई थ्री एक्स तो माइनस 3x बाई टू, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, अब प्लस का 3 बाई टू वाई लिखो, ये लिखा, अब y में से y वाला घटाएंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 5y y 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका लिखो माइनस का 4 बाई थ्री जेड, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है, प्लस का 7 बाई टू जेड, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गए। अब एलसीएम ले लो, तीन और दो का एलसीएम कितना आएगा, छः आएगा हमारा, ठीक है, सिक्स। तो जब थ्री से काटोगे तो टू टाइम्स टू टू ज़ा फोर, एलसीएम सबको लेने आता है ना, सिक्स को टू से डिवाइड करो कितना आएगा, थ्री, थ्री का इसमें कर दो मल्टीप्लाई, तो थ्री थ्री ज़ा नाइन एक्स प्लस का, टू और फोर का एलसीएम फोर आएगा, टू से काटोगे तो फोर को टू आएगा, टू थ्री ज़ा सिक्स प्लस, फोर से काटोगे तो वन आएगा, तो फाइव वाई, क्लियर है यहाँ तक, माइनस थ्री और टू का एलसीएम कितना आएगा, सिक्स आएगा, ठीक है, सिक्स को थ्री से करेंगे टू आएगा, टू फोर ज़ा एट, एट जेड प्लस, जब सिक्स को टू से काटोगे तो थ्री आएगा, थ्री सेवन ट्वेंटी वन, तो ट्वेंटी वन जेड आ गया, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो प्लस माइनस माइनस, नाइन एक्स से फोर जाएगा, एक्स जाएगा कितना बचेगा बताओ, क्लियर है यहाँ तक। तो जब इसे हम घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का फाइव एक्स बाई सिक्स आएगा, ठीक है, क्लियर है। और सिक्स वाई प्लस फाइव वाई कितना होगा, इलेवन वाई, तो इलेवन बाई इलेवन वाई बाई फोर, माइनस माइनस प्लस माइनस, तो साइन आएगा प्लस में, ये तो माइनस हो जाएगा, 21 में से एट जाएगा कितना बचेगा बताओ, 21 में जाएगा 13 बचेगा ना, ठीक है, 13 बचेगा हमारा, तो प्लस का आएगा 13, प्लस बड़ा है साइन है, 21 का बड़े का साइन आता है, 21 का साइन प्लस है, तो प्लस में आंसर आएगा 13 बाई 13 जेड बाई सिक्स, ठीक है, ये आंसर हो गया, ठीक है। इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लो, मैं अगला सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन ऑल्व करते हैं, सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया सबको सवाल, ठीक है। अब आगे करते हैं कुछ मल्टीप्लिकेशन सवाल करते हैं, ठीक है। अगला सवाल हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लाई 3a p स्क्वायर c क्यूब बाय 5a स्क्वायर b स्क्वायर c, क्लियर है यहाँ तक। ये 5 क्यूब है, मल्टीप्लाई 3 ए बी स्क्वायर सी क्यूब बाई 5 ए क्यूब बी स्क्वायर सी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो
जब इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 3ab² c³ × 5a³ b² c, ठीक है। 3 5 का कितना होगा, 15 होगा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अभी a है, a क्यूब है, तो a क्यूब में a जब ऐड करेंगे तो a की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्लियर है। जब बेस सेम होते हैं पावर क्या होती थी, ऐड, a इंटू a क्यूब कितना होगा, a की पावर 4 हो जाएगी, या 1 पावर या 3 पावर ऐड हो जाएगी, या b की पावर कितनी है, 2, या b की पावर 2 है, तो b की पावर 2, b की पावर 2, तो b की पावर 4 हो जाएगी, c की पावर 3, c, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है सबके, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं कि भाई मल्टीप्लाई -4/5x²yz/6/6/5y²xz³, ठीक है। तो देखो भाई, पहले नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस प्लस तो देखो माइनस हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में 4 6 कितना होगा भैया, 24, 5 5 25 होगा। अब x आता है, x दिख रहा है यहाँ पे, x की पावर 2 है, और यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1 है, कुछ नहीं है, तो ठीक है, तो बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, 2 + 1 कितना होगा बेटा, 3 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब ये y है, y की पावर 1, यहाँ y की पावर 2, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, जब बेस सेम होता है, ठीक है, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। z की पावर 1 है, 3 है, z की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, तो ये आंसर आ गया हमारा, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, समझ में आ रहा है सबके। एक क्वेश्चन और लिखते हैं मल्टीप्लाई के ऊपर, ठीक है, तो लिखो मल्टीप्लाई, इसको बहुत अच्छे से करना, चैप्टर अच्छे से पढ़ लोगे ना, समझ लो, बेसिक समझ लोगे, इसके सारे सवाल कर दोगे, एक सवाल कर दोगे। मल्टीप्लाई 7x - 7/6yz - -3/7y²pz, ठीक है। अभी ना मल्टीप्लाई करना, तो -7/6xyz × -3/7y²pz, क्लियर है यहाँ तक, ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जवाब ये करोगे, ठीक है, तो भैया देखो क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा हमारा, 3 से 6 कट, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा पहली बार, ठीक है, 7 से 7 कटेगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, 3 1 3 2 6, तो 2 आ गया नीचे, क्लियर, कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अब देखो x है, सामने x नहीं है इसमें मल्टीप्लाई में, तो x x ही रहेगा, ठीक है। y है, वहाँ y स्क्वायर है, तो y और y ऐड करोगे कितना हो जाएगा, y की पावर कितनी है यहाँ पे, 1 है, कुछ नहीं है, तो 1 होगी, और यहाँ कितनी है, 2 है, 2 + 1 कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो y की पावर 3, ठीक है। अब z है, वहाँ z है, तो यहाँ पावर 1, वहाँ भी पावर 1, तो z की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें p और लगा दो, p का है ही नहीं साथ में कुछ, तो x y³ z²p, या आगे पीछे कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है ऑप्शन में, ठीक है, समझ में आ रही बात, मल्टीप्लाई में इंटरचेंज कर सकते हैं प्लेसेस को, ठीक है, upon 2 आ गया नीचे, ये आंसर आ गया इसका, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और करते हैं इस पर, थोड़े कॉम्प्लेक्स और बेसिक क्लियर हो जाएंगे तुम्हारे। तो एक सवाल है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, हुज लेंथ एंड ब्रेथ इज 7x + y एंड 6xy, ठीक है, 6xy, क्लियर है यहाँ तक। तो भैया हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, लेंथ हमारी 7x + y है और ब्रेथ हमारी 6xy है, ठीक है, आगे जाओ तो रिस्पेक्टिवली लिख दो, रिस्पेक्टिवली, आ रहा है समझ में, अब बताओ कैसे करोगे। तो हम इसमें करेंगे क्या भैया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या पढ़ा था हमने, बताओ जल्दी से, L × b पढ़ा था, ठीक है, लेंथ कितनी बेटा इसमें, 7x + y, क्लियर है, 7x + y, और ब्रेथ कितनी है हमारी, 6xy, क्लियर है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 2 टर्म्स हैं, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म कराओ इसमें, तो इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा, ठीक है, तो 6 × 7 कितना होगा, बताओ, 6 7 = 42,
अब एक्स है और एक्स वाई, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का एक्स में हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर फिर वाई आ जाएगा, प्लस 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 आएगा। यहाँ कुछ नहीं है, वन ही तो कुछ नहीं है इसके आगे, तो वेरिएबल नंबर सिक्स वन द सिक्स वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, एक्स ऐसी रहेगा वाई स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बेटा एरिया आ गया 42 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 6 एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लो। ठीक है, ये लिख देते हैं इसके नीचे, तो इसको पॉज करके ना तुम लिख लिया करो सॉल्यूशन को। ठीक है, तुम जल्दी मिटाया तो करके लिख लिया करो या साथ साथ करते रहो। ठीक है, अभी क्वेश्चन और है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हूज डायमेंशंस, डायमेंशंस डायमेंशन लेंथ ब्रेथ आर। ठीक है भाई, डायमेंशन क्या दे रखी है हमें, 3xyz, 7x2yz³ और 3/7x³y²z⁶। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें वॉल्यूम निकालनी है। अब बताओ बेटा कैसे करोगे सवाल, जल्दी बताओ, क्वेश्चन तुम्हारे सामने। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या बताई थी हमने, याद आ रही है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या बताई थी हमने, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती थी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, डायमेंशन दे रखी थी, यहाँ लगा दो क्वेश्चन मार्क। तो बेटा सॉल्यूशन इसका, ठीक है, पॉज करके तुम सॉल्व करा करो। ठीक है, और नहीं हो पाया करो फिर देख लिया करो उसे। ठीक है, कोशिश करना पहले अपने आप से, फिर मैच करना। 3xyz l इंटू बी इंटू एच 3/7x³y²z⁶। ठीक है, तो बेटा क्या होगा, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, आ रहा समझ में? 3 का कितना होगा हमारा 9, तो कितना आ जाएगा ये 9, 3 का कितना होगा हमारा 9 आ गया। ठीक है, x की पावर कुछ नहीं है तो 1 हो गई, यहाँ 2 है और यहाँ कितनी 3, 3+2 5+1 6, तो x की पावर 6। y की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे यहाँ भी 1 है और यहाँ 2 है, 2+1 3+1 4, वाई की पावर 4। जेड की पावर कितनी है, 1 3 और 6, तो 6+3 9, 9+1 10। ठीक है, ये आ गया 9x⁶y⁴z⁴10। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रही है बात, ये हो जाएगा। बताओ क्लियर है यहाँ तक, नोट कर लो उसे अच्छे से, कुछ क्वेश्चन हम और कराते हैं इस पर। ठीक है, एक सवाल है तुम्हारा, तो सवाल ये है कि भाई माइनस का 2x²(7a²x⁶)(7)(6a⁵)(5). ठीक है, क्लियर है, इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, इनके प्रोडक्ट्स निकालने हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो देखो क्या होगा, माइनस तो यहाँ माइनस लगा दो, माइनस प्लस माइनस, सब देखो प्लस 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 फिर माइनस, तो माइनस आएगा। ठीक है, अब देखो 2, 7, 6 इनका मल्टीप्लाई कराओ, 7 × 2 = 14, 14 × 6 कितना होगा हमारा, 6 × 4 = 24, 2 + 8 = 84 आ गया हमारा, तो 84 एक्स स्क्वायर है, यहाँ x⁴ है, x⁴ है, तो देखो बेस यहाँ पावर 2 है, यहाँ 7, यहाँ 5, बेस सेम होते हैं, मल्टी पावर ऐड होती हैं, 2+7 = 9, 9+5। ठीक है भाई, कितना हो जाएगा हमारा 14, है ना, क्लियर है? ठीक है, तो ये 14 हो जाएगा, x⁴, 14। अब बेटा a² और a⁵, तो यहाँ a² है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 5 पावर, तो a⁴ कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ये आ गया। क्लियर है यहाँ तक? एक अगला क्वेश्चन करो उसका, इसमें रखा है हमें 5x⁴ (10xy²)(10xy⁴)² (2x⁶y⁴)(6)
ठीक है, टेन एक्स वाई। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखो बेटा कैसे होगा ये, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 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 आएगा, ठीक है। फाइव टेन ज़ा फिफ्टी, फिफ्टी टू ज़ा हंड्रेड, हंड्रेड इंटू टेन थाउजेंड, थाउजेंड। एक्स ही पावर सिक्स है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स ही पावर सिक्स है, यहाँ एक्स ही पावर वन है। तो ऐड करो, सिक्स प्लस वन सेवन, सेवन प्लस सिक्स थर्टीन, थर्टीन प्लस वन फोर्टीन, तो एक्स ही पावर फोर्टीन। वाई की पावर फोर है, वाई की पावर सिक्स है, फोर प्लस सिक्स टेन, टेन प्लस वन इलेवन, ठीक है। ये हंड्रेड एक्स की पावर फोर्टीन, वाई की पावर इलेवन। क्लियर है यहाँ तक? लिख लो उसे। तो इसमें ना बहुत अच्छे ध्यान से क्वेश्चंस लगाओ सब, और गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो ये समझो एक्यूरेसी के साथ करना है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों होनी चाहिए, तेज भी करो सही भी करो, समझ गए? तो सब लोग ध्यान रखना है अच्छे से करना है, ठीक है। और बिल्कुल लाइन में लाइन अच्छे से पढ़ो उनको, सब समझो कॉन्सेप्ट इसमें, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करो, ठीक है, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस है अपने अंदर, ठीक है। और वहाँ अच्छी रैंक लाओ, ठीक है। सब सब सब्जेक्ट पढ़ो अच्छे से। अभी ये अगला अगला सवाल लिख रहे हैं इसमें, ट्वेंटी एक्स की पावर टेन, वाई की पावर ट्वेंटी, जेड की पावर थर्टी, ठीक है, इंटू मल्टीप्लाई करा रहे हैं हम, टेन एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। करो बेटा जल्दी से कितना आ रहा है बताओ। ट्वेंटी एक्स की पावर टेन, वाई की पावर ट्वेंटी, जेड की पावर ट्वेंटी, इंटू टेन एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। इसको पॉज करके सॉल्व करो जल्दी से सवाल। तो सॉल्यूशन जो होगा इसका, 20 एक्स की पावर 10, वाई की पावर 20, जेड की पावर 30, इनटू, अब 10 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 100 आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, स्क्वायर सबका होगा, तीनों तीन चार टर्म है हमारी, चारों पे स्क्वायर आएगा। तो 10 का स्क्वायर 100 होता है, एक्स स्क्वायर होगा, और वाई स्क्वायर जेड का जेड स्क्वायर, ठीक है। अब नंबर का नंबर है मल्टीप्लाई कराओ, 10 इंटू 100, 20 इंटू 100 कितना, 2 टू वन ज़ा टू, तीन जीरो लगा दो, एक दो तीन, जितने जीरो होते हैं लगा दिए डायरेक्ट, ठीक है। एक्स की पावर टेन, एक्स की पावर टू, तो कितना 10 प्लस टू कितनी होगी, 12 हो गई। वाई की पावर 20, वाई की पावर टू, तो वाई की पावर 22, जेड की पावर 30, जेड की पावर टू, जेड की पावर 32। आ रहा समझ में? ये लिख दिया हमने, क्लियर है बताओ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन वाले, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई कॉमा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फोर एक्स वाई स्क्वायर जेड, ठीक है बेटा, इंटू माइनस का एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। इंटू फोर बाई फाइव जेड। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो बेटा देखो कैसे करोगे इसे बताओ। तो पहले साइन देखो, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस 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 होगा, ठीक है। तो ऐसे देख लो बस, प्लस प्लस इनका प्लस ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस में ही आंसर आएगा, ठीक है। थ्री फोर द ट्वेल्व, वन ज़ा ट्वेल्व, और यहाँ फोर बाई फाइव, तो ऐसे लिख दो, ट्वेल्व इंटू फोर बाई फाइव। क्लियर है यहाँ तक? कट रहा हो तो काट देना, ठीक है। थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, ट्वेल्व वन ज़ा ट्वेल्व, इंटू फोर बाई फाइव प्लस का, ठीक है। एक्स ई पावर टू, यहाँ एक्स ई पावर कितनी होगी, वन होगी, यहाँ एक्स ई पावर वन होगी, वहाँ एक्स है ही नहीं, तो टू प्लस वन थ्री, प्लस वन फोर, तो एक्स ई पावर फोर आ गई, ठीक है। वाई है, वाई की पावर कुछ नहीं है, तो वन होगी, यहाँ टू है, वहाँ टू है, ठीक है। टू प्लस टू फोर, प्लस वन फाइव, तो वाई की पावर कितनी आ गई, फाइव आ गई, ठीक है। अब जेड है, जेड की पावर कितनी है, वन है, जेड की पावर टू, जेड की पावर कितनी है, वन है, तो टू प्लस वन वन, टू प्लस वन थ्री, प्लस वन फोर, तो जेड की पावर कितनी आ गई, फोर आ गई। क्लियर है यहाँ तक? अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा, ट्वेल्व फोर ज़ा, ट्वेल्व फोर ज़ा फोर्टी एट अपॉन फाइव, तो एक्स की पावर फोर, वाई की पावर फाइव, जेड की पावर फोर, ये आ जाएगा, तो फोर्टी एट अपॉन फाइव, एक्स की पावर फोर, वाई की पावर फाइव, जेड की पावर फोर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारा ये प्रोडक्ट आ गया इसका, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें, बस इसमें बेसिक क्या है, मल्टीप्लाई अच्छे से करना है ध्यान से, ठीक है।
क्वेश्चन है फाइंड दी प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ माइनस फाइव एक्स स्क्वायर वाई इंटू माइनस का टू बाई थ्री एक्स वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, इंटू एट बाई फिफ्टीन एक्स वाई स्क्वायर जेड, ठीक है, इंटू माइनस का जेड बाई फोर, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, इंटू नीचे लग देता हूँ यहाँ पे माइनस का जेड बाई फोर, ठीक है, एंड वेरीफाई द रिजल्ट व्हेन एक्स बराबर वन वाई बराबर टू एंड जेड बराबर थ्री, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये चीज़ है। तो बेटा जब करोगे इसे तो कितना आएगा, माइनस फाइव एक्स स्क्वायर वाई इंटू माइनस का टू बाई थ्री एक्स वाई स्क्वायर जेड इंटू एट बाई फिफ्टीन एक्स वाई स्क्वायर जेड इंटू माइनस का जेड बाई फोर, क्लियर है यहाँ तक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, फाइव टू ज़ा टेन, ठीक है, और 10 एट ज़ा कितना होगा हमारा 80, क्लियर है, और ये कितना है 3 इंटू फाइव, नीचे माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, फिर 8 था फिर माइनस था तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस फिर माइनस आ गया, तो 5 टू ज़ा 10, 10 एट ज़ा 80 हमारा, ठीक है, 3 इंटू 15 कितना, 3 इंटू 15 यहाँ लिख दो, अभी इसमें काटेंगे इसलिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर है यहाँ, एक्स पावर वन है यहाँ, एक्स पावर वन है, तो वन प्लस वन टू, टू और टू कितना फोर, एक्स पावर फोर, y की पावर 1 है या y की पावर 2 है, 2 है तो कितना हो जाएगा y की पावर 5, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, z की पावर 1 है या z की पावर 1 है, z की पावर 1 है, z की पावर 3 हो जाएगी, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है, बताओ, और बेटा 4 भी था यहाँ पे साथ में, इंटू 4 भी होगा ये, ठीक है, आ रहा समझ में, अब देखो काटना कोशिश करना काटने की, ठीक है, तो देखो ये हमारा 4 था यहाँ पे, ठीक है, तो 4 से काटा, 4 वन ज़ा 4 20 ज़ा, ठीक है, 5 3 ज़ा 5 4 ज़ा, तो 3 3 ज़ा 9 हो गया, ऊपर 4 बचा, तो माइनस 4 बाई 9, एक्स की पावर 4 वाई की पावर 5 जेड की पावर 3, क्लियर है यहाँ तक, ये आ गया हमारा, ये आंसर आ गया फाइनल, ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो और क्वेश्चंस करना है इस पर लगाना, ठीक है, नंबर क्वेश्चन जितने कर सको उतने करना है, इसमें कोशिश करना, ठीक है, अब एक एक काम उसमें भी रह गया हमारा, x इक्वल टू 1 था, y इक्वल टू 2 जेड बटे 3, वेरीफाई भी करना है, वेरीफाई रिजल्ट, तो ऐसा सवाल इंटरेस्ट में आ चुका है इस टाइप का सवाल, ठीक है, तो आपको वैल्यू पुट करनी है, x की जगह 1 y की जगह 2 z की जगह 3, ठीक है, जो भी दे रखी हो पुट करनी है, तो करिए भैया, माइनस 4 बाई 9, x कितना है हमारा 1, तो 1 की पावर 4 इंटू y कितना है 2, तो 2 की पावर 5, z कितना है हमारा 3, 3 की पावर 3, ठीक है, माइनस 4 बाई 9, 1 की पावर 4 1 ही होगा, 2 की पावर 5 कितना होगा 32 होगा, 3 की पावर 3 कितना होगा 27 होगा, ठीक है, जो कट रहा है काट दो, अभी कट नहीं रहा है, ठीक है, अब क्या करना है, इसे मल्टीप्लाई कर लो, सॉल्व कर लो, ठीक है, 9 से कट रहा है, 9 वन ज़ा और 9 थ्री ज़ा, क्लियर है यहाँ तक, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा यहाँ पे, लिख लो, माइनस 4 इंटू 32 इंटू 3, क्लियर है यहाँ तक, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, ठीक है, तो जब इसे हम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3 4 ज़ा 12 इंटू 32, ठीक है, तो 32 इंटू 12 कर दो, 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 4 आ गया और ये तुम्हारा 8 हो गया, 384, तो माइनस का 384 आ गया आंसर, ठीक है, अब एक सवाल है हमारा, डिवाइड 3x स्क्वायर वाई, ठीक है, 33x स्क्वायर वाई बाई, अभी डिवाइड पे सवाल, ठीक है, 11xy, क्लियर है, बाई कह रहे हैं मतलब इससे करना है, 32x स्क्वायर वाई को इससे डिवाइड करना है, ठीक है, तो क्या करोगे, सॉल्यूशन देखो उसका, तो 33x स्क्वायर वाई को हम
एक्स वाई से डिवाइड कर देंगे, तो 11 से 11, 11 से 33 कट गया, एक से एक्स से एक एक्स हट जाएगा, तो एक्स बचेगा, वाई से वाई खत्म, 3x आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब अगला सवाल, डिवाइड 3x2y बाय 8xyz। ठीक है, ये तो रखा है हमें, ठीक है, इससे डिवाइड करना है, तो उसको हम लिख लेंगे ऐसे करके 3/4x2y डिवाइड कर रहे हैं, साइन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये अपॉन में लिख दो, तो हमने डिवाइड का साइन लगा लिया, ठीक है, क्योंकि अपॉन में पहले से ही है, तो 8/3xyz। क्लियर है? तो क्या करोगे, जब ये डिवाइड साइन को हम मल्टीप्लाई साइन बनाते हैं, एक तरीका बताया था मैंने, तो ये तो ऐसे लिखो 3/4x2y इंटू 8/3। अब ये क्या हो जाएगा, जब हम डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई करते थे ऊपर आ जाता है, रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो 3 आ गया, ये 8 आ गया, क्लियर है, xyz। तो बेटा देखो काटो से जो कट रहा है, ठीक है, तो देखो कट कोई नहीं रहा, 3 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 8 4 32, एक्स स्क्वायर है या एक्स की पावर 1 है, तो एक्स की पावर 3 हो जाएगी, y और y, y की पावर 1, y की पावर 1 कितना, y की पावर 2 हो जाएगी और z आ जाएगा, तो ये आ गया हमारा 9/32 x³y²z। क्लियर है यहाँ तक? देखो लिख लो उसे जल्दी से, एक सवाल और कर लो, डिवाइड 4/3p²q बाय 9/7pqz, p²qz। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो जब हम डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4/3p²q डिवाइड का साइन है 9/7pqz, क्लियर है यहाँ तक? तो हमने लिखा 4/3p²q, डिवाइड किया मल्टीप्लाई साइन जब आता है तो क्या होता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है, मैंने बताया था, तो ये कितना होगा, 7 ऊपर p नीचे, तो 7 ऊपर गया और 9 नीचे आ गया, p²qz, क्लियर है? तो भाई 7 4 कितना, 28, p² p² p^4, q² z अपॉन 3 9 27, तो ये आ जाएगा, क्लियर है? कहता है कि भाई वैल्यू फाइंड करो, रख के दो, रख के वैल्यू फाइंड कर देना। ठीक है, समझ में आ रही बात, बताओ कोई परेशानी हो उसमें? तो ये आपका यहाँ तक जो है, मतलब मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले हमने सवाल कर लिए। ठीक है, अब इसके लेक्चर 2 में जो होगा हम इसमें आइडेंटिटीज पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो इसको यहाँ तक नोट कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो होगा पूरा इसे कंप्लीट कर देंगे लेक्चर 2 में। ठीक है, इसे नोट कर लो।